हेलो स्टूडेंट, आज हम 3D आर्ट बनाने वाले हैं। ओके, 3D हंट आर्ट। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए A4 साइज का स्काई ब्लू पेपर, ग्रीन पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, फेविकॉल, मैजिक आई, सीजर। ओके, तो हम अभी मैंने ब्लू पेपर यूज किया है A4 साइज का। आपके पास ब्लू पेपर अवेलेबल नहीं है तो अपना जो ड्राइंग बुक है उस पर आप ब्लू कलर करके ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा ग्रीन पेपर है उस पे हम इधर A4 साइज के पेपर पर ग्रास बनाने वाले हैं। तो ग्रास बनाने के लिए हम पहले ऐसे एक पट्टी बनाएंगे। और इसको हम कट करें। याद रखना कि सीजर यूज करते वक्त अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना जरूरी है। ओके, तो ये हमने एक ग्रीन पेपर का प्लेट बनाई है प्लेट। ओके, एक पट्टी बनाई है, इससे हम ग्रास बनाने वाले हैं। तो पहले पेपर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, और बाद में सीजर से हम ऐसे कट करेंगे। ओके, और थोड़ा सा हम इसका शेप देंगे क्योंकि कुछ ग्रास छोटे होते हैं या बड़े भी होते हैं। अभी इसको हम ओपन करेंगे। ओके, ये हमारा ग्रास कंप्लीट हुआ। इसको हम ऐसे ग्लू से स्टिक करेंगे। ओके, तो ये हमने फेविकॉल से इसको स्टिक किया और थोड़ा सा ग्रास को ऊपर नीचे ऐसे करना है, यानी वो 3D हमको दिखेगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम ब्लैक पेपर है उससे हम अंट बनाने वाले हैं। ओके, तो उसके हम 2-2 सेंटीमीटर के, यानी उंगली की जो आपकी उंगली है फिंगर, उसकी पट्टियां बनाएंगे। ऐसे तीन पट्टियां बनाना है। और तीनों पट्टियों को कट करना है।
ओके, ये तीन पट्टियां हमने ब्लैक पेपर की बनाना है। ओके, इसको हम तीनों पट्टियों को ऐसे रोल करेंगे। ओके, ऐसे रोल करना है। ओके, हमने तीन पट्टियों को रोल किया है। नेक्स्ट जो हमने जो थ्री पट्टियों को रोल किया है, इसको थोड़ा सा ग्लू से हम टिक करेंगे ऐसे। हम इधर पेस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट रोल है हमारा, वो आंट का फेस होगा। इसको हम इधर गम लगाएंगे और फिर साइड में ऐसे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम मैजिक आई लेंगे। ओके, और इधर हम इसको लगाएंगे। नेक्स्ट हम ब्लैक के पेन से अंड का एंटीना बनाएंगे। ओके, उसके लेग नेक्स्ट हम रेड कलर का स्केच पेन लेंगे और फ्रंट का हम से लिप्स निकालेंगे। अभी हमारा ग्रास
और अंड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम वाइट पेपर लेंगे और उसके क्लाउड्स बनाएंगे। ओके तो इस तरह से हमने वाइट पेपर के क्लाउड्स बनाए हैं। ओके तो इसको हम इधर ऐसे पेस्ट करेंगे। ओके तो ये हमारी थ्री डी आर्ट अंट आर्ट कंप्लीट हुई है। ओके तो नेक्स्ट हम एक रेड कलर का भी अंट निकालने वाले हैं साइड में। ओके तो इसके साइड में मैं रेड कलर का भी अंट निकाला है। तो इस तरह से हमें थ्री डी अंट आर्ट क्राफ्ट कंप्लीट करना है। ओके